नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीच वाला यूट्यूब चैनल। और चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टीच वाला टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें। यहां पर फिर आज आपके लिए का कुछ काम की बात लेके आए, तो सीईटी एग्जाम। देखिए सीईटी एग्जाम भाई, मैंने कहता कि स्टेट में होगा, सीईटी कभी भी हो सकता है, लेकिन फिक्स डेट अभी नहीं है। उन्होंने जून में कहा, मुझे लगता है जून में एसईटीसी ले पाएंगे। और क्या एसईटीसी पास करने के बाद हमें नौकरी मिल पाएगी? मैं तो नहीं कहता आपको नौकरी मिलेगी, मेरे से लिखवा लो भाई। जब तक पूरा, जब ये कौशल रोजगार निगम का गठन कर दिया, अरे वहां पर जब पटवारी चीफ सेक्रेटरी तक के वहां पे कन्नो गो तक के वहां पे योग्यता डाल दी है, तो आपको लगता है कि रेगुलर भर्ती कर पाएगी सरकार? ये सरकार तो नहीं कर पाएगी भाई। तो दूसरी बात, यहां पर मैंने कि आप अगर एसईटीसी पास करना चाहते हैं, यानी कि ग्रुप सी की भर्ती के लिए, कलर के लिए, डाटा एंट्री के लिए एसईटीसी योग्यता रखी गई है, जो कर्मचारी ऑलरेडी लगे उनको भी ये पास करना है, तो इसको पास करने का आसान तरीका, देखिए अप्रैल में क्या आपका जनरल के लिए फॉर्म भी आ जाए हार्टन में, वहाँ पे दो एग्जाम होते हैं एसईटीसी को लेकर। पहला ऑनलाइन होता है 50 नंबर का और 25 मिनट में वो आपको करना होता है। दूसरा होता है टाइपिंग का, पहला टेस्ट पास करोगे तो दूसरा में तब जाके बैठोगे। वहाँ पे हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक टाइपिंग आप दे सकते हो। इंग्लिश के लिए 30 वर्ड परमिट और हिंदी के लिए 25 वर्ड परमिट आपको टाइप करना होगा, ठीक है? वहाँ पे आपको पास पास होना है, गलतियाँ नहीं करने, पास हो जाओ स्पीड में। लेकिन पहला टेस्ट टफ होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में होता है, ऑप्शन टाइप होता है। जिस साथी को कंप्यूटर आता है उसको तो कोई दिक्कत नहीं, वो आसानी से वहाँ पे पास कर देगा। और जो दूसरे हमारे कमजोर भाई हैं जो पास नहीं कर पाते, उनके एक रास्ता बताता हूँ। एक कोर्स होते हैं, बहुत से कोर्स हैं, चीफ सेक्रेटरी से एग्जेम्प्टेड है जिसके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो, कंप्यूटर आर्ट एप्लीकेशन की हो या साइंस की हो, चलेगी, ठीक है? या सरकारी इंस्टीट्यूट से आपका डिप्लोमा है, जैसे आईटीआई से कोपा कर रखी है आपने, यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रखा है आपने, ठीक है, एडीसी एडीसी जो भी है कंप्यूटर से जुड़ा हो, या एमसीए हो, एमएससी हो, जो भी हो, बीसीए हो आपके पास, बीटेक एमटेक हो, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो एग्जेम्प्टेड है, आपने 19/9/2019 से पहले बीसीसी कर रखा हो, या 3 महीने का हार्ड रन कोर्स कर रखा हो, या 3 महीने का एचएससीआईटी कर रखा हो, वो मान्य है। लेकिन अब करंट में आप क्या कोर्स, जिन साथी ने एक कोर्स नहीं कर रखे वो क्या करें? आपको बता दें एचकेसीएल से एचएससीआईटी कोर्स होता है, 6 महीने में एडमिशन लेना है, 6 महीने में आपका 2 बार एग्जाम होता है, पास हो जाएगा। उसके बाद आपको वहां पे डायरेक्ट जब फार्म आएंगे एसटीसी के, आप वहां पे फार्म भरोगे हार्टन में, तो आपको पहला टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। बड़ी आसानी होगी, तब तक आप टाइपिंग भी सीख लीजिए। जो साथी टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं आपको पता है सबसे टॉप में हमारा टाइप चैनल चलता है हरियाणा के अंदर, ठीक है? हार्टन की हर आपकी हेल्प की जाती है, कैसे अपनी तैयारी करनी है पूरा आपको बताया जाए, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री में आपको सब कुछ बताया जाता है। तो आप तैयारी कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से